जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या पर आए हुए फैसले के और उस फैसले के शब्दशः सच्चाई पर। हमारे साथ मौजूद हैं शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आलोचक हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश खंडपाल उनके साथ मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत सुनील दास। हम आपको ये चर्चा आगे बढ़ाएं, अपने मेहमान से बात करें, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हिंदू महासभा के वकील हरिशंकर जैन ने क्या कहा इस फैसले के बाद। सूट नंबर 4 ऑफ सुनती सेंट्रल वॉक बोर्ड, तो ये जो है इसको जस्टिस अग्रवाल जी ने लिमिटेशन ग्राउंड पर डिसमिस किया है और जस्टिस धर्मवीर शर्मा जी ने तमाम इशुओं को कंसीडर करके डिसमिस किया है। लिमिटेशन ग्राउंड पर डिसमिस होने का मतलब वो प्रिलिमिनरी पॉइंट है, उसी पर उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। तो बाई मेजॉरिटी ऑफ वर्डिंग ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल एंड ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा सूट ऑफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सूट नंबर 4 ऑफ 1989 विच वाज फाइल्ड ऑन 18 दिसंबर 1961 has stand dismissed। और सूट नंबर 5 जो है वो डिक्री इन पार्ट ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस खान ने उसको डिक्री इन पार्ट किया है, यानी आंशिक उसको अलाउ किया है। उसमें ये कहा गया था कि पूरा प्रिंसेस भगवान राम का जो है, तो ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस खान ने कहा कि भगवान राम का एक तिहावा पोर्शन है, एक तिहावे में निर्मोही अखाड़े का और जहां पर वो उनकी सीता रसोई और राम चबूतरा था उनका पोजिशन साबित होता है और कुछ पोर्शन पे मुसलमानों के द्वारा प्रेयर पढ़ा जाना कहा जाता है, इसलिए भगवान राम लला जहां विराजमान है वहां से लेकर एक तिहाई के वो एब्सोल्यूट मालिक है। यानी डिक्री इन पार्ट ऑनरेबल जस्टिस खान और ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल ने आंशिक डिक्री दिया एक तिहावा भगवान राम के पक्ष में और ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने 100% डिग्री ऑनरेबल भगवान राम लला विराजमान के पक्ष में दिया। इस तरीके से सर्वसम्मति से यह हुआ कि भगवान रामलला जहां विराजमान है उसके सर्वसम्मति से वो मालिक घोषित किए गए हैं और वो वहां विराजमान रहेंगे। अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सूट बाई मेजॉरिटी डिसमिस हुआ है, दो जजेज ने डिसमिस किया है, ऑनरेबल जस्टिस अग्रवाल और ऑनरेबल जस्टिस धर्मवीर शर्मा जी ने। हिंदू महासभा के वकील हाई कोर्ट के फैसले पर बयान देते हुए हमारे साथ मौजूद हैं शेष नारायण सिंह। सिंह साहब, आपने सुना हिंदू महासभा के वकील जो है जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि एक तिहाई हिस्से को रामलला का हिस्सा माना है, बाकी के हिस्से को राम चबूतरा और निर्मोही अखाड़ा को माना है और जो बाकी का हिस्सा है वो वहाँ से लेकर के आखिर तक मुसलमानों के हक में एब्सोल्यूट पावर में दिया है, ये दो जजों का मानना है। एक जज जस्टिस ऑनरेबल शर्मा जो हैं वो डिफर करते थे, वो मानते थे कि पूरा का पूरा जो है वो हिंदुओं के पक्ष में इसका जो है वो फैसला दिया जाए। इस फैसले को अब तक हम इसलिए बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इस फैसले का इंटरप्रिटेशन हिंदू महासभा और वकील इस तरह से कर रहे हैं जैसे ये फैसला पूरी तरह से उनके पक्ष में है। एक घटना बताऊं, एक बार एक मुकदमा हुआ हमारे यहाँ, तो मुकदमे में ये हुआ कि भाई ये तमाम आर्गूमेंट्स हुए, सालों चला और उसके बाद ये ऑर्डर आया कि साहब ये मामला आपका डिसमिस हो गया, मतलब खिलाफ फैसला हो गया, खारिज हो गया। तो वकील साहब हमारे, हमने कहा भाई हार गए ना, विक्ट्री देखो लास्ट लाइन पढ़ो, मैं लिखा है कि अगर कोई पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, हमारी जीत। वैसी जीत है ये कुछ नहीं, सीधा सीधा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के तीन जजों की पीठ ने ये आस्था पर, भारत की एकता के सवाल पर फैसला दे दिया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि दैट इन व्यू ऑफ द अबव जिस्ट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ बोथ द पार्टीज मुस्लिम्स एज वेल हिंदूज आर हेल्ड टू बी इन ज्वाइंट पोजिशन ऑफ द इंटायर प्रमाइसिस इन डिस्प्यूट, यानी कि पूरा जो विवादित जमीन है दोनों के कब्जे में, पूरा ज्वाइंट ओनर है हिंदू और मुस्लिम। हाँ।
और उसमें जहां पे भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, अरे इन लोगों की वजह से भगवान राम को 1/3 पे ला दिया गया, निर्भय अखाड़ा भगवान राम के बराबर कर दिया गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भगवान राम का तो सारा भारत सारा विश्व है भाई, तो भगवान ने उनको प्रॉपर्टी क्या जरूरत है। लेकिन इन लोगों ने अपने लालच में अपने वोट के लिए अपने लिए जो भगवान राम आएंगे वहां खेती कर रहे, प्रॉपर्टी तो इन्हीं की होगी ना, इनकी राजनीति की होगी ना। तो ये बातें जो हैं, अब ये फैसला है, लेकिन इस फैसले से कम जो सबसे बड़ी बात है, और हाईकोर्ट को इसके लिए इज्जत प्रणाम इज्जत की जानी चाहिए और की जाएगी कि इन्होंने इनकी जो राजनीतिक रोटी सेंकने की, खैर हिंदू महासभा तो कोई पार्टी ही नहीं, हिंदू महासभा डिस्प्यूट में भी कहीं पार्टी नहीं, लेकिन अब खड़े हो गए हैं तो इम्प्लीड हो गए तो खड़े हो गए। लेकिन असली जो मामला है वो ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इस डिस्प्यूटेड मुकदमे की वजह से जो झगड़ा जो करने की कोशिश की जा रही थी, हाशिम अंसारी जो मेन उसका मुद्दई है वो कह रहा है कि भैया हम तो बड़े खुश हैं, वो खुश है, जो निर्भोही अखाड़े वाले हैं वो खुश हैं, एक महंत जी का भी मैं बाइट देख रहा था जो वहाँ पे सारा पूजा पाठ कर रहे हैं वो खुश हैं, तो कौन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस फैसले को अपनी जीत की शक्ल में देखना या दिखाना दोनों गलत है। हमारे साथ मौजूद है दिनेश कंठपाल, हमारे संवाददाता है, जनसंदेश संवाददाता है, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौजूद है हनुमानगढ़ी के महंत सुनील दास। दिनेश, महंत जी से हम ये जानना चाहेंगे कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। जी बिल्कुल, महंत सुनील दास आप ये बताइए कि जो फैसला आया आपने देखा सुना, खुश हैं आप इस फैसले से? हाँ जी, हम इसका स्वागत करते हैं फैसले का। क्या आपको अच्छी बात क्या लगी इसमें, क्या मिला आपको इसमें? इसमें मिला कि राम जी का जन्म अयोध्या में है और हर देशवासियों के कण कण में राम बसे हुए हैं, और राम जी के मंदिर जहाँ पूजा आरती हो रही है उस जगह को सुरक्षित फिर राम लला को दे दिया गया, इसलिए हम और पूरे देशवासी इससे प्रसन्न हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारे स्टूडियो में शेष नारायण जी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका ये कहना है कि आपकी वजह से राम को एक तिहाई हिस्से में संतोष करना पड़ रहा है, आप भगवान राम को निर्मोही अखाड़े के बराबर ला दिया गया है, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ? नहीं, ये तो कोर्ट का जो भी फैसला है हम स्वीकार करते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला है जैदी जी ये उसे स्वीकार कर रहे हैं, खुश इस बात से हैं कि जहां पर हम इनसे और बात करेंगे। हमारे जो शेष नारायण जी हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले पर। जी दिनेश जी, सुनील दास जी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारा देश सारा विश्व इससे खुश है और ये लोग भी खुश हैं क्योंकि ये असली वहाँ के रहने वाले हैं और ये राम के असली भक्त हैं, और इनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि राम का जो जन्म है अयोध्या जी में हुआ था, वो कह रहे हैं दुनिया जानती है, अरे उसी अयोध्या में तो ठुमुक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया हुआ था। लेकिन ये कि उसको झगड़े का मुद्दा बनाना, भगवान राम ने तो झगड़े को हमेशा बचाया था, और आज इस फैसले ने एक अवसर ये दिया है कि झगड़ा करने वालों को उन्होंने बता दिया है, और सुनील दास जैसे लोगों ने जो कि भगवान राम की पूजा कहीं भी कर सकते हैं, मन ही मंदिर है और वहाँ पे ऑर्डर भी हो गया और मुसलमानों में हर पक्ष से संतुष्टि है, तो ये तो एक राष्ट्रीय एकता का जो फैसला है इसके सामने मैं इसके सम्मान करता हूँ, और मैं सुनील दास जी की जो बात है उससे मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारा डिस्प्यूट जो है वो ये है कि जो लोग इस पर राजनीति की रोटी सेकना चाहे, ये सुनील दास जी राजनीति के नहीं तो धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे ही लोगों के हाथ में राम की भक्ति और अर्चना का काम होना चाहिए, और ये संत चरित्र ही हिंदू धर्म को डिफाइन करता है, इसलिए हमें खुशी है कि इन्होंने ये बात कही है, और जो इसमें नेता लोग इन्वॉल्व हैं उनको इनकी बातों से, अयोध्या की जमीन से जुड़े हुए लोगों की बातों से सबक लेना चाहिए और आगे से भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की और लोगों को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेताओं को जो सुनील दास जी हैं उनकी बात से सबक लेना चाहिए। दिनेश, हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, वो हनुमानगढ़ी के महंत रहे हैं अब तक, जब से ये विवाद शुरू हुआ है खास तौर पे 92 के बाद से लेकर के अब तक, जो हालात अयोध्या के रहे हैं, जो पूजा अर्चना पे असर पड़ा है, जो श्रद्धालु बाहर से आते थे अयोध्या में
वो सारा दौर महंत जी ने देखा है, अब उनको क्या लगता है कि इससे कुछ रेस्पाइट मिलेगी? अयोध्या नगरी का जो जो चेहरा था, जो फेस था दुनिया के सामने, वो एक बार फिर वैसे ही होगा जैसे बरसों से चला आ रहा था? जी बिल्कुल मैन जी, अयोध्या के विवाद ने सबको नाम दिया, सत्ता दी, कुर्सियां दी, रोटियां दी, लेकिन अयोध्या की हालत कभी नहीं सुधरी। अब आपको लगता है कि अयोध्या में जहां श्रद्धालुओं के आने का टोटा पड़ गया है, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं अब, और खासतौर पर जो भक्त हैं, जो दिल से भक्ति करते हैं, जो राजनीति नहीं करते, उनको फायदा होगा? ये सारी परेशानियां अब दूर हो जाएगी। इस फैसले को लेकर के इतना परेशानी थी अयोध्या के अंदर। क्या परेशानी थी वहाँ पे आपको? वहाँ जेल बन गया था, वहाँ अयोध्या वासी जेल में जैसे लोग महसूस करते हैं जेल में, उसी प्रकार से अयोध्या में लोग महसूस करते थे। अब ये फैसला हो गया, वहाँ शांति तो पहले से ही है, लेकिन जैसे सरकार जेल बना दिया था वहाँ पर, इतनी फोर्स लगा दी थी, अब वहाँ हम लोग शांति और सुकून महसूस करेंगे। आपको लगता है सुनील जी कि जो लड़ाई अदालत के अंदर लड़ी जा रही थी और अब भी लड़ी जाएगी, वो अदालत के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर सड़कों पे नहीं आनी चाहिए, राम के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? हाँ, राम जी के मुद्दे पर अगर कोई राजनीति करता है तो ये गलत है। और ये जो फैसला आया है, इसको मैं पूरे देशवासियों को, चाहे हिंदू मुसलमान या किसी भी कौम के हों, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि ये शांति बनाए रखें और फैसले का स्वागत करें। न्याय में सबकी आस्था रहनी चाहिए, न्याय में सबकी आस्था रहनी चाहिए और हर कोई स्वागत करे इस फैसले का इस भावना के साथ। और उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं, जदी जी जैसा आपके आप कह रहे थे, उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि अब कम से कम अयोध्या की वो नगरी जहां चार कारोबारी कारोबार करते थे, श्रद्धालु आते थे तो 2 रुपए की उनकी भी कमाई होती थी, सूनी पड़ी हुई है, जेल बन गई है अयोध्या जो वो कह रहे थे, अब उम्मीद है कि उस जगह पर अभी शेष नारायण जी कह रहे थे तुलसीदास के रामचरितमानस से, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, वो पैंजनियों की जो स्वर लहरियां कभी गूंजी होंगी त्रेता युग में, वो शायद आज श्रद्धालुओं के कान में पड़े जब वो आत्मसात कर सकें खुद को भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम की नगरी का वो स्वरूप वापस मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हनुमानगढ़ी के महंत को, जो हमारे संवाददाता दिनेश कांटपाल के साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हमारे साथ मौजूद हैं शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि राम के भक्त हैं, हिंदुत्ववादी नहीं हैं, हिंदू हैं उनका कहना है, और इस फैसले से वो बहुत खुश हैं। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की फैसले पर, अयोध्या मामले पे जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, इस फैसले को किसी एक पक्ष की जीत की शक्ल में लिया जाना इंतहाई गलत है, क्योंकि इस फैसले पर कोर्ट ने बहुत तटस्थ होकर के, भावनाओं को भी ध्यान में रख करके निर्णय दिया है। साफ साफ कहा है कि जहां रामलला की मूर्ति है वो आम हिंदू की आस्था से जुड़ी हुई जगह है, वहां पे बरसों से पूजा अर्चना हो रही थी, लिहाजा उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया है, जहां पे राम चबूतरा कहा जाता है, सीता की रसोई कही जाती है, और एक हिस्सा मुसलमानों को सौंपा है, जहां एएसआई की खुदाई में कुछ मजारों के भी अवशेष मिले थे, जिसे पता चलता था कि वो कब्रिस्तान है। जस्टिस एसयू खान का जो फैसला है उसके अंदर ये स्पेशल मेंशन है, जैसा कि शेष नारायण जी बता रहे थे कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि मस्जिद के अहाते के बीच में पूजा अर्चना और नमाज शाना बशाना होती थी, ये था हिंदुस्तान का सेकुलर कैरेक्टर अंग्रेजों के जमाने में या उससे पहले। आज के जमाने में इस कैरेक्टर पे सेंध लगाने की कोशिश की गई 1992 में, जब एक हादसा हुआ वहां पर, वो इस मुकदमे का, जैसा कि हमारे संवाददाता दिनेश कंठपाल कह रहे थे कि इस मुकदमे का जो काला अध्याय था वो 1992 का अध्याय था, वरना इस मुकदमे ने, 60 साल के मुकदमे ने जो तस्वीर पेश की है हिंदुस्तानी अदालती प्रक्रिया की, वो अपने आप में अतुलनीय है। मेरे साथ मौजूद हैं शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और आलोचक हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कंठपाल, हम बात कर रहे हैं अयोध्या पर आए फैसले की सच्चाई की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो दूसरे पक्ष हैं उनका क्या कहना है इस फैसले पर।